अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप सब। मैं अलहमदिल्ला आप लोगों की दुआ से बहुत अच्छी उम्मीद करती हूँ। आप लोग भी झाल होंगे खैर वैसे में। तो जी अभी हम बात करते हैं राजा ब्लॉग्स के बारे में। जी हाँ, आज जिसकी सुहाग रात की वीडियो बहुत वायरल हुई थी सुहाग रात के टॉपिक के ऊपर, तो उनके जीजा जी जो है सुहानी गौरव ब्लॉग्स जिनका चैनल का नाम है, उनका जो है वीडियो आया अपनी सासू माँ के सपोर्ट में। और पूरे वीडियो में जो है बेचारे ने हग हग के और क्या बोले बोल के पूरा ब्लॉग ख़त्म कर दिया, जिसमें जो है गौरव ये बोला था राजा जी के ऊपर एलिगेशंस लगाते हुए, जो कि कुछ कुछ हद तक सही है, कुछ कुछ हद तक गलत है, क्योंकि ताली हमेशा एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों तरफ से बजती है। फिर भी गौरव ने जो बोला वो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। गौरव ने ये कहा है कि मेरे साथ गलत किया है चलता है, सुहानी के साथ गलत किया चलता है, लेकिन माँ बाप के साथ गलत करना वो बहुत गलत है, अदर समथिंग लाइक दैट। तो भैया ये वही लड़का बोल रहा है जो अपने माँ बाप को छोड़ के ससुराल में आके जो है ना घर जमाई बन के बैठा है, उसको अपनी सास के ऊपर आज बहुत प्यार आ रहा है। जिस लड़के को अपने माँ के ऊपर प्यार नहीं आया, जिस लड़के ने अपने अम्मा को छोड़ के आके ससुराल में बस गया है, उसको जो है ना राजा को वो सिखा रहा है। खैर देखो, गलती तो दोनों पार्टी की है, नो डाउट। ये जो तमाशा इन लोगों ने सोशल मीडिया पर करके रखा है, बट मुझे लगता है जिस लड़के ने अपने माँ को जो है ना अपनी माँ का दुख, अपनी माँ का तकलीफ नहीं देखा पैसों के लिए, राजा के पैसों के लिए, साले के पैसों के लिए, वैसे तो ये कमाता धमाता है नहीं, नशेड़ी है, तो वो अपने नशा पूरा करने के लिए अगर घर जमाई बन के रह सकता है, उसको दूसरों को ज्ञान देने की बिल्कुल भी जो है ना ना कोई ज़रूरत है और ना ही कोई मुँह आई थिंक वो होना चाहिए कि भाई तुम राजा को ज्ञान दो। और तो और जिसने पूरा घर ख़राब किया, एक हंसता खेलता परिवार को ख़राब किया, एक नाबालिग एक लड़की से शादी करके उसका फ्यूचर ख़राब किया, उसकी ज़िंदगी ख़राब की, वो बोल रहा है कि घर के बारे में जो है ना वो ज्ञान दे रहा है वो, कि मतलब कि घर में ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, राजा ने ये किया है, राजा ने वो किया है, राजा को अब जेल जाना पड़ेगा, ऐसा वैसा। भैया जिसने जो है ना चाइल्ड मैरिज किया है, जिसके ऊपर अभी कंप्लेन हो ना, तो अभी पुलिस वाले उसको उठा के लेके जाए, वो राजा के ऊपर एलिगेशंस लगा रहा है और राजा को धमका रहा है कि भैया उसको पुलिस आके उठा के लेके जाएगी, और अभी उसको बहुत बुरा वक्त शुरू होने वाला है। जो खुद एक क्रिमिनल है, जो खुद एक बच्ची के साथ रह रहा है, फिर बोलता है कि आप लोग बोलते हो कि मैं नशेड़ी गंजीरी हूँ, सुहानी क्यों नहीं आती, सुहानी टूट चुकी है। क्यों भैया, सुहानी जब तुम्हारे साथ शादी हुई थी और जब तुम्हारी असली शक्ल सुहानी को देखने को मिला, जब तुम मारते थे धारते थे, अभी मारते हो, जब तुम नशा करते थे पहली बार, जब सारी चीज़ें उसको पता चली, तब तुम्हारी सुहानी टूटी नहीं थी। ये बताओ कि कॉन्ट्रोवर्सी के चक्कर में जो है ना गौरव भैया, तुम जो है ना राजा पार्ट टू बनने की कोशिश कर रहे हो, फेम बटोरने की कोशिश कर रहे हो और सुहानी को साइड कर रहे हो ताकि वक्त आने पे तुम सुहानी को छोड़ के अपना चैनल चला सको और अपना नशा पानी का जो जुगाड़ है ना वो इस चैनल से कर सको। राजा तो गलत है, नो डाउट, राजा बहुत उसने गलत किया है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, माँ बाप को नहीं छोड़ना चाहिए था, बट गलत सही तो तुम भी नहीं हो, तुम्हारी वजह से ये जो पूरा कांड है ना वो तुम्हारे वजह से हुआ है, ये जो महाभारत की जंग छिड़ी है ना उसकी शकुनी भी तुम हो भैया। तुम्हारे घर में कदम रखते हैं ना, अमूमन तौर पर बोलते हैं ना कि बहू के घर में कदम रखते घर में कलेश शुरू होता है। राजा भैया की देवी जी के ऊपर मैं बाद में आऊँगी, अभी आऊँगी मैं, पहले तो मैं तुमको बता दूँ, लेकिन यहाँ पे तो पहली बार ऐसा हो कि दामाद घर जमाई बनते ही, घर में दामाद के कदम रखते ही जो है ना घर में कलेश शुरू हो गया है। तो तुम चाहते ना तो ये सब बंद कर सकते थे, लेकिन तुमको तो मुफ्त की रोटी खानी है और राजा टू पार्ट टू बनना और मिलियन से सब्सक्राइबर जो है ना वो तुमको हासिल करना है। इसलिए बार बार बोलो व्यूअर्स आप लोग देख लो, व्यूअर्स आप लोग देख लो, भैया तुम तो अपना घर ना खुद का संभाल पाए, अब यहाँ पर आ गए व्यूअर्स को जो है ना अपने साइड में सिंपैथी के लिए जो है ना खींचने के लिए, तो वो तो तुमसे ना हो पाएगा, क्योंकि राजा जैसा भी है, अच्छा है, बुरा है, जैसा भी है, उसका उसके अंदर कुछ कुछ खूबियाँ है कि व्लॉग को जो है ना कैसे कंटिन्यू करना चाहिए। आप राजा भैया के ऊपर आते हैं, नहीं राजा भैया की तो क्या ही कह लें, राजा भैया देवी जी करके जो है ना राजा भैया देवी जी के जो है ना भक्त बन गए उनका, यूँ मान लो ना कि क्या ही बोलूँ। और आज तो देवी जी का वाहन भी खरीद लिया गया है। राजा भैया वैसे तो बोलते हैं बहुत गरीब है, लेकिन गरीब है बोल के भी जो है ना बाइक उन्होंने आज ले लिया देवी जी के लिए वाहन, क्योंकि देवी जी से खुद का वजन तो जो है वो उठाया नहीं जाता। और आज का व्लॉग देख के राजा भैया का एक ऐड मुझे याद आया जो कि आप लोगों ने भी देखा होगा, ओहो नई बीवी नया घर और नया गाड़ी। तो राजा जी जो है राजा भैया हमारे, वो देवी जी आते ही जो है ना शहर में आके माँ बाप को छोड़ के बस गए, माँ बाप को रुला भी रहे और शहर में आके अपनी दुनिया भी बसा लिए। अल्टीमेटली राजा भैया की जो देवी जी है उनके अरमान तो यही थे और देवी जी के एक मौके की ज़रूरत थी बस, कि ससुराल वालों से कैसे अलग हो सके। वैसे देखा जाए जो औरत पहले ही ना खा पाई वो दूसरी बार क्या ही खा पाएगी।
तो उनका ये था कि भाई राजा भैया को जो है अपनी फैमिली से अलग किया जाए और अपनी ज़िंदगी जो है ना एकदम अय्याशी से जिया जाए। और राजा भैया तो ऐसे कि देवी जी के भक्त बने बैठे हैं, जो देवी जी बोलेंगी राजा भैया बस उसको जो है ना पूरे करने में ही राजा भैया लगे हुए हैं। इधर राजा भैया की जो माता जी है अब माँ है, ठीक है, माँ है, चाहे माँ कैसी भी हो माँ माँ होती है। जैसे कि तुम्हारे देवी जी के अंदर भी कोई कमियाँ होंगी लेकिन तुम देवी जी को तो छोड़ नहीं रहे। देवी जी पहले से ही शादीशुदा थी, डिवोर्स थी, फिर भी तुमने देवी जी की इस कमी के बावजूद भी तुमने देवी जी से शादी किया, देवी जी के साथ घर भी बसारो। लेकिन जिस माँ ने तुमको 9 महीने कोख में रखा, 3 साल अपने गोद में रखा और न जाने कितने रात जाग जाग के तुम्हारी बीमारी बोलो या फिर तुम्हारे बचपन में जिस माँ ने तुमको पाला, अपने मुँह में निवाला डालने से पहले तुम्हारे मुँह में निवाला डाला, आज देवी जी आए नहीं कि माता जी का आंगन छोड़ के देवी जी का भक्त बन गए, चले राजा भैया शहर में अपनी नई दुनिया बनाने। तो ऐसा है कि राजा भैया तुम्हारे चैनल का नाम जो है ना वो राजा ब्लॉग से हटा के देवी का भक्त लगा लो तो वो अच्छा लगेगा, क्योंकि आजकल जो है ना तुम राजा कम और देवी का भक्त ज़्यादा लग रहे हो। राजा तुम शादी से पहले थे, अब तुम देवी के भक्त बने हो। देवी जी ने ऑर्डर दिया नहीं राजा भैया, बस देवी जी ने ऑर्डर दिया नहीं, राजा भैया ने माँ बाप को छोड़ दिया, शहर छोड़ दिया। सोचो आप ज़रा, तो इनकी देवी जी जो है वो किस लेवल की देवी जी हो सकती है, इससे तो हमको आइडिया हो ही सकता है। अमूमन तौर पर सास बहू का झगड़ा होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन ये शादी के तुरंत बाद जो है अपने माँ बाप को छोड़ना, 1 साल 2 साल रहते वो अलग बात था, वो थोड़ा सा जो है ना अलग लगता है। और राजा भैया के तो क्या ही कहना, बहन को जो है ना बदनाम करके, माँ बाप को बदनाम करके उसी पैसों से राजा भैया बाइक भी ले रहे हैं, उसी पैसों से राजा भैया जो है घर खरीदने की प्लानिंग भी कर रहे हैं, और उसी पैसे जो है राजा भैया घूम फिर भी रहे हैं माँ और बहन को बर्बाद करके। अमूमन तौर पर भाई जो होता है वो बहन का रक्षक होता है, माँ का रक्षक होता है और पत्नी का रक्षक होता है, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा इंसान देखने को मिला जो माँ और बहन की इज्जत की जो है ना मटिया मेल करने में लगा हुआ है। माँ बहन चाहे कितनी भी गंदी हो, चाहे कितनी भी गंदी, लेकिन कोई लड़का जो है ना अपनी माँ बहन के नाम पर एक शब्द नहीं सुन सकता और अपने माँ बहन के नाम पर एक शब्द नहीं बोल सकता। लेकिन ये पहला लड़का देख रहा हो जो सोशल मीडिया में ही अपनी माँ बहन को नंगा कर रहा है, तो इससे तो अंदाज़ा लग ही सकता है कि जो अपनी माँ का नहीं हो सका, जिस कोख से वो निकला, वो देवी जी के क्या ही होगी। अब बस नया नया शादी है तो देवी के भक्त बने फिर रहे, जैसे देवी जी ने सारा फल जो है प्रसाद राजा जी को दे दिया और राजा जी जो है संतुष्ट हो जाएंगे प्रसाद लेके, तब देवी जी भी आउट होने वाली। ये तो 4 दिन की चांदनी है। अब राजा भैया बोल रहे हैं कि बीवी के साथ रहते ऑटो में घूमना अच्छा नहीं लगता। ओहो राजा भैया, बीवी के साथ रह रहे हो तो जो है ना ऑटो में घूमना अच्छा नहीं लगता। और जिस फैमिली ने राजा भैया को सोशल मीडिया में ऊपर उठाने के लिए इतनी मेहनत करी, आज उसी जो है ना फैमिली को तुम बदनाम कर रहे हो। न जाने तुम्हारी माने तो शादी के बाद तुम्हारे अब्बा के साथ जो है, तुम्हारे पिताजी के साथ बाइक भी नहीं मिली होगी उस टाइम पे, तब भी तुम्हारे अम्मी ने जो है, अम्मी बोलो कि अम्मा बोलो या माता जी बोलो, उन्होंने गोद में उठा उठा के न जाने कितने रास्ते चले होंगे। लेकिन अब राजा भैया को जो है देवी जी को लेकर रह रहे तो ऑटो में घूमना पसंद नहीं। और इनका एक तकनीक आप देखना, जब भी राजा भैया के व्यूज़ डाउन हो जाते हैं, राजा भैया का कोई ना कोई कॉन्ट्रोवर्सी तो शुरू ही हो जाता है, बहन की शादी, खुद का सुहागरात, खुद का शादी, हर उनका एक सीरीज़ वाइज चलता है, फिर बहन के साथ झगड़ा, माँ के साथ झगड़ा, अब घर से जो है ना अलग हो जाना, अब कुछ दिन बाद जो है हर जोर जोर के वीडियो की सीरीज आएगी कि हम जो है अब राजा भैया तो मुझे नहीं लगता कि घर वापस जाएंगे, क्योंकि देवी जी जो है एक बार घर से निकल के अपना मंदिर जो है उसका स्थापना कर लिए है, तो अब मुझे नहीं लगता है कि राजा भैया जो है अब अपने गाँव जाएंगे समस्तीपुर। लेकिन हाथ जोड़ के जो है ना पब्लिक को अपने जो सपोर्ट में करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेगी कि राजा भैया को अब समझ में आ रहा है कि राजा भैया के ऊपर पब्लिक भड़के हुए हैं। तो राजा भैया आजकल जो है वीडियो के एंडिंग में बहुत इमोशनल बातें करते हैं, अब वो वीडियो भी सामने आएगा, जब सब्सक्राइबर के लिए हाथ भी जोड़ा जाएगा, इसका भी अलग सीरीज बनेगा। तो ये राजा भैया की एक तकनीक है, जैसे उनका व्यूज़ कम होता है एक नया कॉन्ट्रोवर्सी शुरू हो जाता है। क्या पता कल को देवी जी के ऊपर भी कोई कॉन्ट्रोवर्सी हो जाए, ये बता नहीं सकती, ये तो वक्त ही बताएगा हमको। और वैसे भी जो लड़का अपनी बहन की इज्जत तार तार कर सकता है व्लॉग में, जो लड़का अपनी माँ की इज्जत तार तार कर सकता है व्लॉग में, जो लड़का अपनी बीवी की खुशी के लिए अपनी माँ को रुला सकता है, और जो लड़का अपनी बीवी के पीरियड की बातें हर चीज़ खुले खुला सोशल मीडिया में बोल सकता है, हर चीज़ का एक पर्दा रखना चाहिए, तो उस लड़के से तो आप क्या ही उम्मीद कर सकते हो। खैर यह तो वक्त ही बताएगा कि राजा भैया के और कितने रंग निकलेंगे। एक रंग हमको पता था कि राजा भैया काला है,
लेकिन अब तो ये भी पता चला कि राजा भैया का दिल भी कितना काला है और दिमाग भी कितना काला है, और क्या क्या रकम दिखने को मिलेगा वो तो वक्त ही बताएगा। तो चलिए अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिए, दुआ की दरख्वास्त है वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, चैनल में नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करके अपना क्या ओपिनियन है राजा भैया के लिए और देवी जी के लिए वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह।